Hello everyone and welcome back to the Dabu Malik official channel. आज की बड़ी interesting story है. बहुत सारे लोगों ने ये question किया है कि क्या मैं बाजीगर में था, क्या मैंने महाभारत में as an actor काम किया था. तो दोनों ही बातें सच हैं, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि music में आने से पहले ये बाजीगर में acting करना और ये मौका आपको कैसे मिला. तो हुआ ये कि मैं और मेरे ब्रदर अनु भाई एक दिन ब्लू डायमंड करके एक स्टूडियो है वहाँ पर हम एक जिंगल रिकॉर्ड कर रहे थे. और उस दौरान उस दिन जब हम काम कर रहे थे तो अचानक कुछ कमोशन हुआ ऑफिस में, ब्लू डायमंड के ऊपर वाले ऑफिस में. और ख़बर यूँ आई कि एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी में कुछ अनबन हुई है और कुछ डिस्कशन आउट ऑफ हैंड चली गई. और उस दोपहर के दौरान या उस रिकॉर्डिंग के दौरान एक दो बार वो जो दिग्गज प्रोड्यूसर थे, एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक थे, उन्होंने हम लोगों को बुलाया ऊपर कि आप लोग आइए, मैं एक सेटिंग करना चाहता हूँ. और उस फिल्म का म्यूज़िक अनु भाई को सौंप दिया गया. हालांकि उस वक्त अनु भाई कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे थे और ये उनके लिए बहुत खूबसूरत और हसीन मौका था और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. और वो मैं वहाँ पे बोंगो बजा रहा था, मुझे याद है वो शाम जब हम लोग ये कर रहे थे. और उस दौरान फिर हमको फाइनलाइज कर दिया गया अनु भाई को एज ए संगीत का. और उस फिल्म के जो डायरेक्टर अब्बास मस्तान थे, फिल्म का नाम बाजीगर था, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें हमने महाभारत में देखा था, क्या तुम हमारी फिल्म बाजीगर में काम करोगे. तो उस वक्त मैं काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहा था, शोज़ भी कर रहा था, म्यूज़िक भी कर रहा था एज एन असिस्टेंट, और एक्टिंग मैंने महाभारत में 86-87 में कर लिया था. तो उनको मैं बहुत पसंद आया और उन्हें बोला एक रोल है और आप करिए. एंड आई डिड नॉट रियली बिलीव इट. आई सेड रियली ऐसा हो रहा है. तो मैंने रोल सुनने की मांग की और उन्हें मुझे रोल बताया कि शिल्पा शेट्टी एक लड़की है, उससे तुम्हारा लव का एक एंगल है और एक गाना तुम पे शूट होगा जो पंकज दास जी ने गाया था, छुपाना भी नहीं आता. हालांकि वो फिल्म बनी, मैंने काम किया शाहरुख भाई के साथ, एक एक्शन सीक्वेंस था जिसमें क्रिश मलिक मेरा नाम था स्क्रीन का पर्दे का. वहाँ पर वो जो आपने देखा होगा बहुत ही फेमस सीन था और बहुत फेमस फिल्म थी वो और बहुत ही सक्सेसफुल हुई. काजोल के साथ एक दो सीक्वेंसेस थे, फिर किताबें बहुत में एक लोनली लवर की तरह मैं पेड़ के पीछे खड़ा था. और ये एक्सपीरियंस मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा. लेकिन वो एक गाना जो मुझ पे शायद बैकग्राउंड में शूट होने वाला था वो नहीं हुआ और वो सेकेंड हाफ में सिद्धार्थ और काजोल पर शूट हुआ गया, विनोद राठौड़ की आवाज़ में. कुछ सीक्वेंसेस चेंज हुए, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक शिफ्ट की वजह से मेरे चार सीन का रोल एक सेकेंड लीड एक्टर से थोड़ा स्तर उसका नीचे उतरा और मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गया, मतलब उस फिल्म का. 93 के अंदर तिरंगा भी रिलीज़ हुई जिसमें मैंने तिरंगा में भी एज एन एक्टर काम किया था और दोनों ही सक्सेसफुल रही, बहुत सक्सेसफुल रही फिल्म. बट मैं किसी लेवल पर एक जजमेंट कर चुका था कि शायद ये इतनी बड़ी सक्सेस के बाद मुझे जो रोल और एक्टिंग के जो ऑफर्स आएंगे वो भी बड़े सिमिलर आएंगे, बिकॉज इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, जो जिस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है उस तरह के काम मिलने लगते हैं. तो बात एक्चुअली बाजीगर में कैसे काम करने की थी और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है जो मुझे बाजीगर में मिली और तिरंगा में मिली और मेरी एक्टिंग का जो स्टिंट था वो 93-94 में, मैंने उसके बाद फिर कोशिश नहीं की उस तरह काम करने की. कहीं एक मेंटल कैलकुलेशन मेरा हो चुका था कि शायद मैं
बहुत ज़्यादा स्मॉल टाइप के रोल्स नहीं करूँगा। मैं रुकता रहा और कोई भी ऐसे लीड रोल्स मुझे मिले नहीं और ना कोई स्टेलर पावरफुल रोल्स। और उस ज़माने का कुछ ऐसा था दस्तूर कि अगर आप टेलीविज़न में ज़्यादा काम करते हैं तो टेलीविज़न के हो जाते हैं और फिर आप या तो कैरेक्टर एक्टर बन जाते हैं, और अगर आपकी पिक्चर सक्सेसफुल सोलो हीरो की नहीं होती तो यू डोंट हैव एनी मोर चांसेस। मैंने एक अपने आप को रोक लिया था वेटिंग के कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन बाजीगर में यस मैंने काम किया, तिरंगा में मैंने काम किया, और बाजीगर की स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया वॉज अब्बास मस्तान, फुल क्रेडिट उनकी चॉइस था मैं, और उन्होंने मुझे वो छोटा सा रोल दिया था। एंड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। शाहरुख खान के साथ हमने एक दो दिन गुजारे थे और काफ़ी बातचीत हुई थी, और एक अवार्ड फंक्शन के अंदर जब वो पूरी बाजीगर की टीम को अवार्ड दिया गया था तो शाहरुख भाई ने पर्सनली यू नो ही वेंट ऑन द स्टेज टू फेलिसिटेट मी इन दोज मोमेंट्स। सो बट कहीं वो बात एज एन एक्टर नहीं बनी। और जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि मेरी ज़िंदगी में सलीम खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई वो मुलाकात ने मुझे संगीत का एक मार्गदर्शन दिया, और मुझ में छुपे हुए एक गीतकार संगीतकार और गाने बनाने की कैपेबिलिटी की जो मुझ में क्षमता थी उसको एक सपोर्ट मिला, और हमको ये चांस मिला कि मैं अपने आप को एज अ कंपोजर डाल सकूँ। और ये बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट था मेरा मैंने दिल तुझको दिया के साथ, जो हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि सुहेल खान और सलमान खान की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली वो मेरी फैमिली के लिए यानी मेरी इंडिविजुअल फैमिली के लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी, और हम लोग संगीत की इस परंपरा को आगे ले जा सके। सो दैट वॉज द बाजीगर स्टोरी फॉर यू ऑल एंड यू। यस एवरीबडी, आई एम हियर टू एक्सेप्ट दैट आई वॉज द बॉय हु प्लेड द रोल इन बाजीगर, इन तिरंगा, इन महाभारत एज एन एक्टर। I hope you must have liked all those scenes, but I am really thankful that the music of my family got appreciated, and Amal and Arman are taking the legacy forward.